आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा में कोविड-19 के साथ ही इन दिनों लोगों पर डेंगू का खतरा भी बढ़ गया है। सरकारी अस्पताल की बजाय मरीज अब नर्सिंग होम में इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। वहाँ रैपिड किट से जांच कराने पर मरीज डेंगू पॉजिटिव मिल रहे हैं। आगरा के खदौली क्षेत्र में कोरोना वायरस के खतरे के बीच इन दिनों डेंगू ने भी जिले में पांव पसार लिया है। साफ सफाई नहीं होने और पानी नाले नालियों और पात्रों आदि में जमा होने की वजह से डेंगू का मच्छर पनप गया है। कई क्षेत्रों के लोगों को डेंगू ने अपना शिकार बना लिया है। निजी अस्पतालों में हुई रैपिड टेस्ट में कई मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। देखिए, ये जो सीजन होता है ये वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है। इसमें जो मच्छर जनित बीमारियां होती हैं वो बहुत फैलती हैं। तो ये हमारा एक प्रोग्राम भी चल रहा है, संचारी रोग अभियान चल रहा है, दस्तक अभियान चल रहा है। इसमें लोगों को अवेयर किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि कहीं पर जल भराव ना हो, गंदगी ना रहे, ये सब चीज़ों के लिए लोगों को गाँव में अवेयर किया जाता है। और जहाँ पर अभी ये जो डेंगू के या वायरल के जो केस निकल के आए हैं वहाँ हम लोगों ने स्वयं जाके निरीक्षण किया, स्वयं जाके देखा है। तो इसका मेन कारण गंदगी है। अब पैसे ही में जैसे अभी वायरल और डेंगू के केसेस निकल के आए हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो देखने को मिला है उस गांव में इतनी ज़्यादा गंदगी थी, जगह जगह जल भराव था, जगह जगह कीचड़ इकट्ठा हो रखा था। लोगों ने जानवर जो भैंस पाली हुई है उनका गोबर नालियों में बह रहा है। तो इस वजह से उस गाँव में काफ़ी बीमारी फैली, वायरल हुआ। लेकिन डेंगू की पुष्टि ज़्यादा लोगों में नहीं हुई है। अब स्थिति वहाँ कंट्रोल में है और हम लगातार वहाँ पे 2 तारीख से अपनी टीम भेज रहे हैं, लगातार वहाँ कैंप हो रहे हैं। धीरे धीरे केस वहाँ कम होते जा रहे हैं, बुखार के मरीज भी कम मिले हैं। कल सिर्फ 5 मरीज बुखार के मिले हैं, आज भी हम वहाँ पर अपनी टीम भेजेंगे। और ये जब तक वहाँ पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो जाता तब तक हम वहाँ अपनी टीम भेजते हैं। आगरा और आसपास के जनपदों के मरीज भी नर्सिंग होम में इलाज करा रहे हैं। कोविड-19 की वजह से डेंगू के मरीज सरकारी अस्पतालों में अपना उपचार करा रहे हैं। चूंकि मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब से डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग केस रिपोर्ट करता है। मेरी क्षेत्र की समस्त जनता से एक अपील है कि अपने घर के आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा न होने दें, साफ सफाई रखें। पुराने गमलों में, पुराने टायरों में, पुराने बर्तनों में कहीं भी अगर पानी है तो उसको निकाल दें। अगर आसपास कोई तालाब है, पोखर है, गड्ढा है, उसमें अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसमें मिट्टी का तेल, डीजल या जला हुआ मूवी ऑयल डाल सकते हैं, जिससे उस पर एक लेयर बन जाएगी और जो मच्छर का लार्वा है वो नहीं पनपेगा और मच्छर पैदा नहीं होगा, जिससे वो डेंगू से, मलेरिया से, चिकनगुनिया से, ये जो मच्छर जनित बीमारियाँ हैं इनसे बचे रहेंगे, अपना बचाव रखेंगे। सर, जो डेंगू की जो मलेरिया जो संकेत आता है तो किस तरीके से, क्या कैसे, पहले क्या संकेत होता है? ये डेंगू और वायरल का जो संकेत है दोनों में ही फीवर होता है। डेंगू में तेज बुखार के साथ शरीर दर्द, कमजोरी, इस तरह के काफ़ी लक्षण आते हैं और वो जांच कराने में ही पता चलता है। NS1 और डेंगू एंटीजन इसके लिए होता है, प्लेटलेट कम होती हैं, इससे इसको डायग्नोज करते हैं, उसके बाद हम ट्रीटमेंट देते हैं। मेडिकल कॉलेज में टेलीमेडिसिन OPD चलने की वजह से तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर मरीज सीधे निजी अस्पताल जा रहे हैं। इस कारण मेडिकल कॉलेज में लैब में डेंगू की जांच के लिए सैंपल नहीं जा पा रहे हैं। खदौली के CHC चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर उपेंद्र सिंह का कहना है कि रैपिड किट से डेंगू की रिपोर्ट मान्य नहीं है। अभी तक मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब से एक भी डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। डेंगू के लक्षण सिर और मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी लगना, आंखों के पीछे दर्द, ग्रंथियों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते, ऐसे करें बचाव। कूलर पात्र आदि में पानी लंबे समय तक ना रखें, पानी को हमेशा ढक कर रखें वरना मच्छर अंडे दे सकते हैं। खिड़की दरवाजे पर मच्छर से बचने को जाली लगाएं, पूरी बाहों के कपड़े पहने या जितना हो सके शरीर को ढक कर रखें। विजय बघेल, सी न्यूज आगरा।